नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं संतोष आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियन फार्मर चैनल में। किसान भाइयों, आज का सीन कुछ ऐसा यहां पे आपको देख के समझ में आया होगा। आज हम आए हैं रोज़ फार्मिंग मतलब गुलाब की खेती आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों, हमारे काफ़ी सारे व्यूवर्स है कुछ दिन से कह रहे हैं संतोष भाई हमें गुलाब की खेती के बारे में बताओ, कैसे होती है, क्या होती है। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर लगभग 1 एकड़ तक का यहाँ पर क्षेत्र है कि यहाँ पर गुलाब की खेती होती है। यहाँ पर देख सकते हैं टॉप सीक्रेट ये वैरायटी है यहाँ पर, और जैसे कि पॉलीहाउस यहाँ पे देख ही सकते हैं 1000 स्क्वायर मीटर के इनके टोटल 6 पॉलीहाउस है, लेकिन 4 पॉलीहाउस में इनके पूरा गुलाब की खेती होती है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि गुलाब की खेती कैसे होती है, उसका बडिंग कैसे होता है, कटिंग कैसे होता है, उसके बाद उसको बढ़ाया कैसे जाता है, उसके बाद इसका माल मार्केट कैसे भेजाते हैं, इनका कोल्ड स्टोरेज कैसा है। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जो है ज़रूर दबाइए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो देखिए कि ये वैरायटियाँ जो है एक्चुअली पॉलीहाउस में ही आती है। अगर बाहर लेंगे तो ये जो फूल यहाँ पे इस तरीके से अच्छी वैरायटी मतलब अच्छी जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी ख़राब हो जाएगी और ये फैल जाएगा फूल। इसीलिए इस जो गुलाब की खेती है ज़्यादातर लोग पॉलीहाउस में ही करना चाहिए, और पॉलीहाउस में करना ही पसंद करते हैं लोग, क्योंकि बाहर करेंगे तो उसमें दिक्कतें काफ़ी सारी आती है। आप उसका एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, मार्केट अच्छा नहीं मिल पाएगा और आप गुलाब की जो क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए, पॉलीहाउस के बारे में आपको अगर वीडियो चाहिए कि पॉलीहाउस स्ट्रक्चर, सब्सिडी वगैरह, हमारे चैनल पे पूरी जानकारी, हम लोग जो मिर्च करते हैं उसके बारे में पॉलीहाउस में जानकारी है, हमारे चैनल पे जाके दोस्तों देख लीजिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसको ज़मीन कैसे लगती है। तो दोस्तों देखिए, इस गुलाब की खेती के लिए अगर रेड सॉइल हो तो सबसे बेस्ट है, अगर काली मिट्टी है तो वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, वहाँ पर आपको सॉइल चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटली रेड सॉइल इन्होंने ज़मीन पे भर दी है पूरी। यहाँ पे 80 बरा से लगभग आपको यहाँ पे पूरा मतलब सॉइल जो है पूरा भरनी पड़ती है आपको दोस्तों। तो सॉइल जो है इसमें वाटर ड्रेनेज वाली सॉइल रहनी चाहिए, पानी पकड़ना नहीं चाहिए, पूरा पानी वहाँ पे छोड़ने वाली ज़मीन चाहिए। हमेशा दोस्तों मैं कहता हूँ कि कोई भी फसल हो, चाहे फ्लोरिकल्चर हो, चाहे तो वेजिटेबल हो, हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखिए, आपको वाटर ड्रेनेज वाली ज़मीन ज़्यादातर आपको चूज़ करनी पड़ती है। और इस गुलाब की खेती में ज़्यादातर पीएच अगर कम भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 से 4.5-6 तक, मतलब 4.5 से 5 तक चल जाता है, एसिडिक ज़मीन होगी तब भी। और दोस्तों यहाँ पे उसके बाद ज़मीन के बाद वाटर चल जाता है, कैसा भी कोई दिक्कत नहीं है। वाटर के बाद इसको क्लाइमेट इसको मिनिमम दोस्तों 15 से लेके 28-30 तक चलता है, उससे ज़्यादा हो जाता है तो ह्यूमिडिटी जब इसमें होती है, जब ह्यूमिडिटी की वजह से इसमें दिक्कत क्या होती है, माइट्स वगैरह तैयार होते हैं, थ्रिप से ज़्यादा होता है, तो टेम्परेचर इस 15 से लेके 28 तक इसको लगता है। अब उसके बाद ये वैरायटी की अगर बात करें दोस्तों, देखिए गुलाब की खेती अगर आप कर रहे हैं तो इसमें सैकड़ों वैरायटियाँ हैं, जैसे कि ये टॉप सीक्रेट है, इसके बाद ग्लैडिएटर है, उसके बाद बेबी पिंक है, YCD 1, 2, 3, 4 है, उसके बाद जुमेलिया करके अभी मार्केट में एक नई वैरायटी आई है, वो इस साइड से नीचे से वाइटिश है और ऊपर से थोड़ा सा पिंक टाइप है, बहुत ही बेहतरीन वो भी वैरायटी है दोस्तों। तो मार्केट के हिसाब से हम लोगों को चलना पड़ता है, सैकड़ों वैरायटी है, अलग अलग कलर है, जिस हिसाब से उस हिसाब से मार्केट में जो माल अभी चल रहा है उस हिसाब से हम लोग को चलना पड़ता है। अभी ये तो टॉप सीक्रेट है, जैसे कि मैंने आपको बताया पूरा ये बडिंग करके इसका पौधा यहाँ पर लगाया गया। अब दोस्तों वैरायटी की तो बात होगी, वैरायटी तो आपको मार्केट देख के उस हिसाब से आपको चूज़ करनी पड़ेगी। अब बात आती है पौधे की। अब दोस्तों पौधा इसका कितने को मिलता है, लगभग 8-10 रुपये के आसपास इसका एक पौधा मिलता है। एक पौधा जब आप लगाते हैं तो आपको 5 साल तक फुर्सत वहाँ पे पौधा लगाने की बार बार ज़रूरत नहीं है, उसको बडिंग कटिंग वहाँ पे करना पड़ता है बस। अब 1000 स्क्वायर मीटर में आपको पौधे कितने लगाने हैं, अब ये सोचते होंगे आपको। देखिए 1000 स्क्वायर मीटर में आपको 7000 से लेके 9000 तक आसपास यहाँ पर पौधे आप लगा सकते हैं, टोटल जो है 1000 स्क्वायर मीटर यहाँ पर पॉलीहाउस है, ये देख सकते हैं। और दोस्तों क्या है कि जब गुलाब की खेती करते हैं तो आप जब पॉलीहाउस में ऊपर में जो पॉलीथीन मारते हैं, जो ऊपर 200 माइक्रोन की पॉलीथीन, हमेशा याद रखिए कि वो पीली कलर की रहनी चाहिए, क्योंकि गुलाब की खेती के लिए वो सही होती है। वाइट भी चलती है, कोई दिक्कत नहीं, अगर वाइट है तो उसके अंदर आप जो है ग्रीन शेड नेट यहाँ पर इस तरीके से जहाँ पर मारा है देख सकते हैं, इस तरीके मार सकते हैं। हम लोग भी अपने पॉलीहाउस में ग्रीन शेड नेट मारा है, और बाकी सब कंस्ट्रक्शन इसका देख सकते वही तरीका है जैसे हमारा लोग का है, पाइप्स वगैरह 3 mm का, जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर के वीडियो में बताया है। अब दोस्तों पौधे तो हो गए, 8000 पौधे यहाँ पे लगते हैं। अब इसका बेड प्रिपरेशन कैसे होता है, अब दोस्तों देखिए इसका बेड प्रिपरेशन सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि आपको ये पौधा 5 साल चलाना है। अगर 5 साल चलाना है तो आपको जड़े बहुत अच्छे से उसका मतलब जो बेड है बहुत ही अच्छा बनाना पड़ेगा आपको। तो बेड इसका कैसे बनाना पड़ता है दोस्तों, इसका बेड जो है एकदम हाइट लेनी पड़ती है, चौड़ा भी लेना पड़ता है, 3 फीट चौड़ा, 1.5 फीट पाथवे लेना पड़ता है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम छोटा सा पाथवे है,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखेगा भी नहीं क्योंकि नीचे का पूरा हिस्सा जो बेंडिंग किया गया है इस वजह से दिखता नहीं, इसी बीच में चलना पड़ता है। आप कोई भी गुलाब के प्लॉट पे जाइए आपको ऐसे ही माहौल देखने को मिलेगा, जहाँ पे जगह कम रहती है, बीच से चलना पड़ता है। और हाइट की गुलाब की जो है इतनी यहाँ पे देख सकते हैं, इसी तरीके से रहती है। तो 1.5 फीट बेड की हाइट लीजिए और पाथवे 1.5 फीट, और बेड का जो अंतर है बीच का 3 फीट, जैसे कि 4.5 फीट की हम लोग हमेशा बात करते हैं वही हिसाब से है, बस थोड़ा सा ऊंचाई पे लेना पड़ता है वाटर ड्रेनेज होने के लिए और टेम्परेचर भी मेंटेनेंस रहने के लिए। दोस्तों जब हम लोग गुलाब इसमें लगा देते हैं दोस्तों, तब गुलाब लगा देने के बाद इसको सबसे पहले तो ज़रूरी होता है बेसल डोज। बेसल डोज नॉर्मली हम लोग जैसे डालते हैं ऑर्गेनिक, उसके बाद उर्वरक जो मिट्टी चेकअप करवाने के बाद जो चीज़ की कमी है वो उसमें भर दीजिए। और इसको जो है अगर 5 साल तक आपको चलाना है तो हमेशा आपको इसको बार बार हर 4-6 महीने पे इसको आपको बेसल डोज देना पड़ेगा, ज़मीन का ध्यान देना पड़ेगा, आपको पीएच लेवल चेक करना पड़ेगा और भी छोटी छोटी बारे के आपको इसमें। दोस्तों एक सबसे बड़ी बात है ना, गुलाब की खेती में क्या है कि कल्चरल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होता है, मैं आगे आपको बताता हूँ क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना पड़ता है। तो उसके बाद अगर आप जब पौधा लगाते हैं तो उसके पहले सबसे ज़रूरी चीज़ रहता है ड्रिप इरीगेशन। यहाँ पे डबल लाइन ड्रिप इरीगेशन आपको बिछानी पड़ती है क्योंकि आप एक पौधा इस साइड में लगा रहे हैं, एक इस साइड में लगा रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल लाइन की ड्रिप इरीगेशन लगाई गई है, ये देखिए दोनों तरीके से, ये एक है, ये 16 mm की ड्रिप इरीगेशन है क्योंकि पानी का आपको इसमें बहुत ही ध्यान देना पड़ता है वाटर मैनेजमेंट के ऊपर। हम लोग वाटर मैनेजमेंट पर भी एक वीडियो जल्दी ही लाने वाले हैं दोस्तों, पानी का यूज़ कैसे करना है, क्या करना है। और इसके बाद जब ये पौधा छोटा रहता है तो इसको टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे मिस्टर्स वगैरह भी लगाने पड़ते हैं क्योंकि जब टेम्परेचर मेंटेन रहता है तभी पौधे की ग्रोथ जो है बहुत अच्छे से होती है। तो दोस्तों जब इस पौधे की जब लगा देते हैं इस पौधे को, जैसे कि मैंने बताया 7,000 8,000 9,000 आसपास 1,000 स्क्वायर मीटर में लगाते हैं, जब पौधा आप लगा देते हैं, लगा देने के बाद उस पौधे को अच्छा एक सक्षम पौधा बनाना पड़ता है पहले। तो 4-5 महीने तक फसल को नहीं लेना है, मतलब गुलाब जो है लेना नहीं, पौधे को तैयार करना है क्योंकि पौधे के ऊपर जितने भी ये पत्तियाँ हैं, जितनी ज़्यादा इस तरीके से पत्तियाँ बनेगी उतना अच्छा पौधा बनेगा और उतना अच्छा आगे चल के गुलाब भी आएगा। तो सबसे पहले तो ये मेन लाइन जो होती है, ये मेन स्टेम होती है, मेन स्टेम जब अच्छी बन जाती है तो सीधा ऊपर से जो है बेंड करना देना पड़ता है यहाँ से पौधे को। जब बेंड कर देंगे तो यहाँ से नीचे से स्प्राउटिंग निकलता है, देख सकते यहाँ पर स्प्राउटिंग निकला हुआ है, और जितना स्प्राउटिंग निकलेगा उतना ऊपर दोस्तों गुलाब लगेगा इस तरीके से। दोस्तों पूरा ये फसल क्या है, पूरा कटिंग के ऊपर डिपेंड है। जहाँ से आप कट करेंगे नीचे 2-3 पत्तियाँ रखें, फिर यहाँ से आँख रहती है, आँख से फिर निकल आएगा, फिर एक मतलब स्प्राउटिंग होगा वहाँ से। तो जितना आप ऊपर से कट करेंगे फिर नीचे से स्प्राउटिंग होगा, मतलब जितना आप गुलाब निकालते हो तो इस तरीके से इसकी साइकिल चलती रहती है। तो पौधे को आपको बहुत अच्छा उसको मैनेजमेंट करना है। जब आप पौधा लगा देते हैं वहाँ पर आपको फर्टिकेशन पर भी ध्यान देना है, एनपीके की मात्रा, माइक्रोन्यूट्रिएंट, सेकेंडरी, हर चीज़ पे ध्यान देना है। एक शेड्यूल होता है, आपको शेड्यूल के अनुसार जाना पड़ेगा, एक दिन छोड़ के हर दिन आपको इसको फर्टिकेशन खाद देना पड़ेगा, तभी जाके आपको आगे चल के अच्छी यील्ड आएगी और अच्छा आपको गुलाब आएंगे। नहीं तो यहाँ पे आपका मतलब दिक्कत आएगी, आपको उतना फसल मतलब अच्छे से आ नहीं पाएगी। तो जब ये सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें वही मैंने बताई कि जैसे कि दोस्तों आपको कल्चरल प्रैक्टिस जो होता है, जो बेंडिंग होता है, उसके बाद कटिंग होता है, गुलाब को कट करने का जो तरीका होता है वो बहुत मतलब सही से होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे ये गुलाब है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ से, यहाँ 2 पत्ती रख के यहाँ से कट कर देना, फिर यहाँ से आगे से यहाँ से ये फूलेगा और यहाँ से फिर निकलेगा यहाँ से 1 पत्ती, और यहाँ से निकलने के बाद फिर ऊपर गुलाब लगेगा। तो इस तरीके उसके बाद यहाँ पे डिसबडिंग भी करना पड़ता है, जैसे कि कोई गुलाब पे ना 2 गुलाब मतलब लगे रहते हैं सट सट के, तो उसको भी निकालना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब गुलाब के बगल में एक और गुलाब यहाँ पे लगा है, तो इसको यहाँ पे निकाल देना है क्योंकि ये भी लगेगा, ये भी लगेगा, तो ये जो गुलाब है अच्छे से बन नहीं पाएगा। इसके लिए यहाँ से इसको निकाल देना है और एक ही पे पूरा सपोर्ट जाना चाहिए, पूरा जो आ रहा है इसमें से इसके टोटल इस पे ऊपर जाना, ये ही आपका गुलाब अच्छे से तैयार होगा, डेवलप होगा। अगर साइड के पूरा रख दिए तो सबको जाएगा थोड़ा थोड़ा, तो ये गुलाब अच्छे से आपका मेंटेन नहीं हो पाएगा और मार्केट में अच्छा चलेगा नहीं, क्योंकि आप गुलाब में क्या है, जितना अच्छा आप इसका क्वालिटी बनाते हैं उतना अच्छा आपको इसमें पैसा और आगे चल के मार्केट मिलता है। अगर आप क्वालिटी ख़राब करते हैं तो आपको आगे चल के पैसा नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ पे ध्यान देना, आपको प्रैक्टिस बहुत करना है, इसके ऊपर ध्यान देना है, इसके हाइट भी मेंटेन करके रखना, अगर ऊपर ज़्यादा चला जाए तो दिक्कत आएगी। तो ये सारी चीज़ों पर यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों। तो सबसे ज़रूरी बात एक चीज़ और मैं बताता हूँ, इसके में डिसीज़ के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। डिसीज़ इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे कि पाउडर मिल्ड आता है, और उसके बाद आपको वेल्टिंग भी मेरे हिसाब से होता होगा क्योंकि इतने दिन तक अगर ये पौधा इसमें रहता है तो वेल्टिंग की उम्मीद होती होगी मेरे हिसाब से 4-5 साल तक, तो इसमें ऊपर वो भी ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद इसमें माइट्स हुए, थ्रिप्स हुए, बहुत ज़्यादातर थ्रिप्स यहाँ पे डिस्टर्ब इसमें करता है, जैसे कि यहाँ पे ये देखिए इस तरीके पत्तियाँ अंदर खींचने लगती है थ्रिप्स की वजह से, ये देखिए।
तो थ्रिप्स ज़्यादा परेशान करता है। इस प्लॉट में थोड़ा बहुत थ्रिप्स है यहाँ पे भी, तो थ्रिप्स पे बहुत ध्यान देना पड़ता है दोस्तों। माइट्स और थ्रिप्स, ये दो चीज़ों पे यहाँ पे प्लॉट में अगर ध्यान देंगे तो इसमें और कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो दोस्तों आप जब ये पौधा लगा देते हैं 4-5 महीने बाद इसमें फूल लगने चालू हो जाते हैं, जैसे कट करेंगे फिर निकलेंगे। लगभग 1 एकड़ में यहाँ पे दोस्तों 2000 के आसपास अगर आपकी अच्छी क्वालिटी का आप गुलाब ला रहे हैं तो 2000 आपको गुलाब पर डे यहाँ पे निकलेंगे। तो पर डे आप 2000 गुलाब के हिसाब से मतलब 20 गुलाब का एक बंच होता है दोस्तों, वो बंच आपको 20 गुलाब का एक बंच मतलब 100 बंच डेली आपके 1 एकड़ में निकलेंगे। अब मार्केट में भाव क्या रहता है कैसे रहता है वो डेली अपडेट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको क्वालिटी मेंटेन रखनी है। जैसे कि ये गुलाब निकालना है यहाँ से कट करके, पैक हाउस छोटा यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ आगे चल के, तो एक छोटा सा पैक हाउस होता है वहाँ पे गुलाब को मशीन में डालना पड़ता है, या कांटे जो पूरे हैं यहाँ पे ये कट करने पड़ते हैं क्योंकि पकड़ने में आसानी रहेगी, क्योंकि कांटे अगर कट नहीं होंगे तो पकड़ नहीं पाएंगे गुलाब। तो इसके बाद इसकी जो जितना स्टेम लंबी होगी उतना मार्केट में अच्छा भाव मिलेगा। जो एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है इस तरीके से छोटा सा गुलाब रहता है, इसको पहुँचते पहुँचते मार्केट में थोड़ा सा फूल जाता है तो इस तरीके से एक्सपोर्ट होती है, इस तरीके से छोटे मोटे मार्केट में जाता है जैसे दिल्ली बम्बई हुआ, इस तरीके से ये मार्केट में चलता है छोटे छोटे। अभी लगभग 100-120 रुपये 20 फूलों का बंच का अभी मार्केट चल रहा है। तो मार्केट ज़्यादातर इसका डिपेंड करता है कि त्यौहार के ऊपर, सीज़न के ऊपर, जैसे अभी शादियों वाला सीज़न चलता है तो इसका रेट बढ़ता है। वैलेंटाइन आता है तो जानते हैं आप वैलेंटाइन पे तो गुलाब बहुत अच्छा चलता है। उसके बाद जून जुलाई के बाद जैसे गणपति के सीज़न आता है, उसके बाद नवरात्र आती है, नवरात्र के बाद क्रिसमस आता है, क्रिसमस के बाद फिर वैलेंटाइन आता है। तो ये पूरा आपको सीज़न पकड़ना पड़ेगा, आपको स्टोरेज करना पड़ेगा गुलाब का। जैसे कि गणपति हो जाता है तो उसके बाद नवरात्र आने 10-15 दिन बच जाते हैं, तो उस टाइम पर आप क्या करेंगे? तो ये गुलाब जो है आपको स्टोरेज करना पड़ेगा कोल्ड स्टोरेज में, लगभग 10x14 के कोल्ड स्टोरेज में आप 40-45 हज़ार फूलों का जो है स्टोरेज दोस्तों इसमें कर सकते हैं। इनका जो स्टोरेज है 10x14 का, उसमें 45 हज़ार फूलों का इनका स्टोरेज है। 1 एकड़ में 2000 मैंने फूल बताया, 100 बंच डेली मतलब यहाँ से पूरा मार्केट में जाते हैं। अगर फसल अच्छी आई हो तो, अगर नहीं अच्छी आएगी तो आपके उतने 100 बंच यहाँ से नहीं जाएंगे, दिक्कत करेंगे आपको। तो दोस्तों गुलाब की खेती में यही है, आपको जितना कल्चरल प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा ध्यान देंगे उतना दोस्तों आपको अच्छा रहता है। तो गुलाब की खेती में यही दिक्कत है, मतलब इसमें लेबर लोग ज़्यादा लगते हैं, आदमी लोगों की इसमें ज़रूरत रहती है। पर डे इसमें काम है, 12 महीने आपको इसमें काम करना पड़ेगा, पिंचिंग हुआ, बडिंग हुआ, ये हुआ वो हुआ, उसके बाद पैक हाउस में पैकिंग का काम आपको अच्छे से करना पड़ेगा। पैकिंग में भी आपको इसको गुलाब निकाल के उसके ऊपर रैपर हुआ, रैपर के ऊपर रबड़ मारना पड़ता है, नीचे से भी रबड़ मारना पड़ता है। उसके बाद आप पैक हाउस में जब रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, तो कोल्ड स्टोरेज में भी आपको बकेट में रखना पड़ता है, उसमें थोड़ा पानी रखना पड़ता है, पानी के अंदर रखना पड़ता है, या तो रैक रहते हैं रैक के ऊपर रखना पड़ता है। तो ऐसे छोटी छोटी बारीकियाँ रहते हैं, आपको इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है इस खेती में, गुलाब की खेती में, तभी जाके आप सक्सेसफुल बनेंगे। लेकिन अगर आप मोटा मोटा करेंगे तो वो काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि अगर आपको मार्केट में टिकना है तो सब पहली बात तो आपको क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको इमेज क्वालिटी, आपकी जो इमेज है वहाँ पे मार्केट में बनी रहनी चाहिए कि भैया इनका माल बहुत ही अच्छा आता है, टॉप का आता है, आपको 12 महीना वो छोड़ेगा नहीं बंदा, आपको भाव भी अच्छा देगा। उसके बाद आप जो फूल तैयार करते हैं उसमें कोशिश कीजिए आपको एक्सपोर्ट भी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो लोकल मार्केट रहता है उसके डबल भाव आपको एक्सपोर्ट मार्केट में मिलता है। तो ये चीज़ों का इसमें ध्यान देना पड़ता है। लोगों के अंदर क्या रहता है कि हमने गुलाब लाया हम लॉस में गए, ऐसा नहीं है। आप अगर अच्छे से करते हैं, यहाँ पे ये प्लॉट देखिए बहुत ही अच्छा प्लॉट है, यहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा है, लोग अच्छे हैं, यहाँ पे इनका फर्टिकेशन शेड्यूल मैंने देखा वो भी सही है। तो हर एक चीज़ का अगर मैनेजमेंट है, स्प्रे टाइम टू टाइम करना पड़ता है, हर दूसरे तीसरे दिन पे इसमें स्प्रे करना पड़ता है। और मार्केट देखिए, मार्केट तो कोई नहीं पकड़ सकता है, कभी 100 रुपये बेंच बिकेगा, कभी 500 रुपये बेंच बिकेगा, लेकिन आपको मार्केट में हमेशा रहना है, 12 महीना रहना है। अगर 12 महीना आप रहेंगे कभी ना कभी आपको पूरा टोटली रिकवर करके जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए गुलाब की खेती में आप जितना स्टडी करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, पूरा जाके आप डिटेल में जानकारी लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, मैनेजमेंट सीखिए, आप खुद हाथ से करिए, जो हाथ से कर रहे हो लेबर को सिखाइए, तब जाके आप 100% सक्सेसफुल रहेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में गुलाब की खेती के बारे में बस इतना ही। इसके अलावा आपके मन में कुछ सवाल हो कमेंट बॉक्स खाली है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, नए फसल के साथ, नए टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि पावर है तो पावर है। धन्यवाद।